नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। मैं हूं प्रज्वल और वक्त हो चुका है इस वक्त की 20 बड़ी खबरों का। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाके आज 1 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दाखिल करेंगे नामांकन, अगले महीने होंगे चुनाव। राहुल गांधी ने वाशिम से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, आज सचिन पायलट होंगे शामिल। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने दिया आवेदन, युवती के पिता और भाई का लिया गया ब्लड सैंपल। श्रद्धा हत्याकांड, आज पुलिस को मिल सकता है आफताब के लैपटॉप का डेटा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा की, प्रधानमंत्री ने विडोडो से भी की मुलाकात। दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारी के बीच आपको झटका, रिश्वत लेने के आरोप में एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी के पीए गिरफ्तार। सूरत की मिल में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। लखनऊ में छत से गिरने पर युवती की मौत, परिजनों का आरोप, दूसरे समुदाय के लड़के ने धकेला। मिजोरम के हंथियाल हादसे में अब तक 11 मजदूरों की मौत, एक अब भी लापता। भारत अमेरिका के बीच उत्तराखंड में होगा युद्ध अभ्यास, ओली पहुंची यूएस आर्मी। शेयर बाजार में बुधवार को कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 164 अंक टूटा, निफ्टी 18,400 से फिसला। G20 समिट के बीच पोलैंड पर गिरी रूसी मिसाइलें, 2 लोगों की मौत, नाटो ने बुलाई आपात बैठक। पोलैंड मिसाइल अटैक, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन बोले वैश्विक नेताओं से बातचीत जारी। पोलैंड मिसाइल अटैक, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले संघर्ष बढ़ाने की कोशिश कर रहा रूस। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में किए हवाई हमले, बड़े पैमाने पर बत्ती हुई। 2024 के अमेरिकी चुनावों के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार, राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा। T20 सीरीज से पहले बोले कप्तान हार्दिक पांड्या, विश्व कप में मिली हार से निराश, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगी रूस की टीम, फीफा ने लगाया है बैन। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।